जीवन दायिनी माँ नर्मदा की जयंती पर बड़वानी के शहर के समीप रोहिणी तीर्थ राजघाट पर उत्साहपूर्वक मनाया गया। आज माँ नर्मदा जयंती के अवसर पर श्री 108 राम बाबा के सानिध्य में माँ नर्मदा को 1100 मीटर की चुनरी अर्पण की गई। इस मौके पर गाय के दूध से अभिषेक भी किया गया। उसके बाद माँ नर्मदा की सामूहिक आरती हुई। उसके बाद कन्या भोजन और विशाल प्रसादी का भंडारे की शुरुआत हुई। इस दौरान बड़वानी नगर पालिका अध्यक्ष श्री लक्ष्मण चौहान, माँ नर्मदा भक्त अजय सिंह ठाकुर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। साथ ही माँ नर्मदा जयंती के अवसर पर SDRF और पुलिस बल भी मौजूद रहा, वही लोगों को समझाइश देते रहा। आज नर्मदा जयंती के शुभ अवसर पर 108 राम बाबा के द्वारा 1100 मीटर की चुनरी यात्रा निकाली गई और नर्मदा की पूजा अर्चना करके इस देश में खुशहाली हो, समृद्धि हो, इसके लिए कामना की गई। साथ ही अभी जो कोविड बीमारी से संक्रमित लोग हुए थे उनके स्वस्थ होने की कामना की गई। साथ ही माँ नर्मदा को शुद्ध रखे, साफ रखे, इसके लिए भी सबसे प्रार्थना की गई। साथ ही जो भी नर्मदा किनारे आए वो अपना पन्नी और अन्य सामान लाते हैं वो डस्टबिन में डाले। और मैं इस बड़वानी नगर के लिए माँ नर्मदा से कामना करता हूँ कि बड़वानी में सुख शांति रहे, समृद्धि आए, साथ ही बड़वानी नगर पालिका का विकास हो, ऐसी मैं माँ नर्मदा से कामना करता हूँ। मेरा नाम अजय सिंह ठाकुर। आज नर्मदा जयंती पर क्या कार्यक्रम का आयोजन किया? माँ नर्मदा जयंती हमेशा मनाते आ रहे हैं, अभी तक 31वां साल हो गया है नर्मदा जयंती मनाते मनाते। 1100 मीटर की चुन्नी ओढ़न का कार्यक्रम हुआ राम बाबा जी के सानिध्य में, और उसके बाद हवन पूजन होने के बाद पश्चात भंडारा होगा। शाम को नर्मदा जी की डोली यात्रा निकाल कर काकड़ आरती होगी। और नर्मदा जी में बाबा द्वारा हमारे नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा पूजा अर्चना कर जो वैक्सीन लगाए गए वो स्वस्थ बने रहे और बीमारी महामारी जो चल रही है उसे समाप्त बने करें, इसकी कामना है की।